मैं फातिमा आप सबका में आज का हमारा सवाल है मशे से एक का सवाल नंबर एक का पहला और दूसरा हमने पिछले वीडियो में हल करे अब हम क्या करेंगे सवाल नंबर तीन और चार इस वीडियो में हल करेंगे तो देखिए सॉल नंबर तीन के मोहदिदीन क्या दिए हुए आर कॉमर जीरो आर क्या दिया जीरो तीन, एस दिया है तीन मा पांच बटे दो तो चलिए सवाल नंबर तीन इसी का हल करते हैं तो आर क्या दिया है जीरो तीन और एस डी है जीरो पांच बटे दो दिए है सबसे पहले हम हल में लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि नुकता आर के मोहदीन एक्स वन वाई वन है और नुकता एस के मोहदीन क्या है एक्स टू और वाई टू सबसे पहले जो आर के जो ब्रैकेट में ये जो जीरो मनफी तीन दिया हुआ है ये क्या है एक्स वन है और ये वाई वन है ये एक्स टू है और ये क्या है वाई टू है इसी तरह से हमें पूरे क्वेश्चन हल करना है बस यहाँ पर क्या दिया हुआ है पांच बटे दो दिया हुआ है बटे में दिया हुआ है तो आप प्लीज घबराइएगा मत बटे में रहा तो बस आपको वहां पर क्या करना है तिरछा जरब करके लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एक्स वन और वाई वन की वैल्यू तो एक्स वन मसावी है एक्स वन कितना आ गया हमारे पास जीरो आ गया फिर y1 कितना आ जाएगा y1 x1 आ गया तो y1 y1 कितना आ जाएगा हमारे पास मनफी थी उसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा x2 तो x2 टू मसावी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास जीरो और y2 कितना आ जाएगा y2 टू मसावी है वाई कितना आ जाएगा हमारे पास पांच बटे दो अब हमें जो हमारे पास जो फासले का जबता है उसमें हम क्या करेंगे ये कीमतें रखेंगे तो चलिए रखते हैं सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे फासले का जाप्ते से लिखेंगे फिर जबता लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे फासले के जाप्ते से आर एस हम यहाँ आर एस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है आर एस दिया हुआ है इसलिए हम लिखेंगे आर एस मसावी जजर में एक्स की दूसरी मनफी एक्स वन ब्रैकेट की दूसरी जमा वाई टू मनफी वाई वन ब्रैकेट की दूसरी तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आर एस मसावी है जजर में जो X1, X2, Y1, Y2 दी है उसकी हम क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देखिए एक्स टू दिया है एक्स तो टू कितना है हमारे पास जीरो तो हम यहाँ लिखेंगे जीरो मनफी एक्स वन एक्स वन भी कितना दिया हुआ है हमारे पास जीरो और यहाँ पर क्या है ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर क्या दिया है दूसरी जमा फिर उसके बाद क्या दिया है वाई टू तो वाई टू कितना दिया हुआ है हमारे पास पांच बटे दो आ गया हमने मालूम करे थे तो इस तरह से पांच बटे थे दो मनफी फिर y1 क्या है मनफी तीन है y1 कितना है मनफी तीन ये मनफी और ये मनफी मिला देंगे तो क्या आ जाएगा जमा आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम तीन फिर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम दूसरी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर एस मसावी है जजर में तो याद रखिए यहाँ पर क्या दिए हुआ है जजर की यहाँ पर जजर में क्या दिया जीरो मनफी जीरो की दूसरी मतलब क्या आ जाता है जीरो आ जाता है सिफर मनफी सिफर मतलब सिफर ही होता है सिफर की दूसरी बोले तो सिफर ही आता है इसलिए सिफर हमने एज इट इज लिखे जमा अब यहाँ पर देखिए क्या है पांच बटे दो जमा तीन यहाँ तीन के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है एक है यहाँ हम क्या करेंगे तिरछा जरब करेंगे क्या करेंगे तिरछा जरब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जाएंगा पांच का पांच हो जाएंगे जमा की जमा और दो तिया कितने हो जाएंगे छह हो जाएंगे इस तरह से और दो का दो किस तरह से लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ ब्रैकेट के ऊपर क्या है दूसरी है ये पूरा क्या है जजर में इस तरह से लिखेंगे हम फिर हम यहाँ लिखेंगे आर एस मसावी है जजर में तो यहाँ देखिए जीरो मतलब जीरो होता है पांच और में छ मिलाए तो कितना हो गया ग्यारह पांच में छ मिलाए कितना हो गया ग्यारह और बटे में कितना है दो तो ये दो और यहाँ पर क्या हुए है ब्रैकेट की दूसरी दिए है ब्रैकेट की दूसरी दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ग्यारह बटे दो कितने बार है दो बार है किस तरह से ग्यारह बटे दो जरब ग्यारह बटे दो दूसरी का मतलब होता है कि ग्यारह बटे दो की दूसरी मतलब कितने बार है ग्यारह दो बार है ग्यारह बटे दो ग्यारह बटे दो इस तरह से तब पर जज़र क्या आ जाएगा ग्यारह बटे दो इस तरह से आप इसको लिखना चाहे लिख सकते है या फिर आप इसको कट करके भी लिखना चाहे तो लिख सकते है दो एक दो, दो पंजे दस फिर एक बचता है तो दो पंजे एक को सिफर लगाए दो पंजे दस यानी जॉब क्या आ जाता है पांच आशार्य पांच अब इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी है अब इतने पे भी, भी हमारा पूरा राइट आ जाए यानी हमारे पास आर एस कितना आ गया ग्यारह बटे दो आ गया तो अब हम यहाँ जॉब में लिखते हैं कि नुकतः आर और एस का दरमियानी फासला ग्यारह बटे दो इकाई है यानी अगर इसको अशारिया में करें तो कितना आ जाएगा कट कर कर करें दो ग्यारह बटे दो को कट कर करेंगे तो कितना आ जाएगा पाँच पाँच आ जाएगा तो चलिए इस सबसे पहले हम जॉब लिख देते हैं तो इस तरह से हम जवाब लिखेंगे कि नुकता आर और एस का दरमियानी फासला ग्यारह बटे दो इकाई है तो इस तरह से हमने क्या करे तीसरा वाला पूरा हल कर दिए चलिए अब इसी का चौथा वाला सवाल जो है उसे भी हम क्या करते हैं हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर चार क्या है एल क्या दिए हुआ है पांच कौम मनफी आठ एम दिए हुआ है मनफी सात मनफी जिस तरह से हमने एल और एम जिस तरह से हमने इतने तीनों क्वेश्चन हल करे बिल्कुल उसी तरह से हमें ये भी हल करना है बस इसको क्या करना है x1 x2 इसे y1 y2 वाई करेंगे फिर इसके क्या करेंगे मोहद्दीन लिखेंगे कि क्या है x1 क्या है y1 क्या है फिर जब्ता रखकर इसमें वैल्यू फुटअप करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे और हाँ लिखेंगे कि फर्श कीजिए कि नुकता एल के महदीन यहाँ पर क्या L दिया हुआ है एल दिया हुआ है इसलिए लिखेंगे हम एल के महदीन एक्स वन वाई वन और नुक़ँ एम के यहाँ नुक़ा क्या है नुक़ँ एम के महदीन क्या है एक्स टू और वाई टू है यानी एक्स वन के एक्स वन और वाई वन किसे हम एल के महुद्दीन को फर्स्ट करें एल वन के महुद्दीन क्या है एक्स वन और वाई वन है यानी एक्स वन कितना आ जाएगा हमारे पास पाँच और वाई वन कितना आ जाएगा हमारे पास मनफी आठ उसी तरह से एम के महदुद्दीन क्या है एक्स टू और वाई टू है तो एक्स टू और वाई टू हो जाएगा तो एक्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास मनफी सात आ जाएगा और वाई टू कितना आ जाएगा हमारे पास मनफी Y2 परस कितना थी वाई टू हमारे पास कितना यहाँ हम लिखेंगे कि फासले के जबते की मदद से या फासले की जबते से तो हमारे पास यहाँ एलेमेंट दिया तो हम यहां लिखेंगे एलेमेंट मसावी है जजर में एक्स की दूसरी मनफी एक्स वन ब्रैकेट की दूसरी जमा वाई टू मनफी वाई वन ब्रैकेट की दूसरी तो हम यहां लिखेंगे मसावी का मसावी और यहां पर क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे जो भी हमारी एक्स वन एक्स टू एक्स वन वाई वन वाई टू की जो कीमत है वो हम क्या करेंगे लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे जजर बना देंगे जजर में क्या है यहाँ पर एक्स टू है तो एक्स टू कितना है हमारे पास मनफी सात तो हम यह लिख देंगे मनफी सात मनफी एक्स वन कितना दिया हुआ है हमारे पास पांच तो हम यह लिखेंगे पांच ब्रैकेट क्लोज करेंगे ब्रैकेट के ऊपर दूसरी है तो दूसरी लिख देंगे फिर जमा लिखेंगे फिर फिर ब्रैकेट में क्या दिया है वाई टू वाई टू कितना दिया हुआ है हमारे पास मनफी तीन फिर मनफी वाई वन की वैल्यू कितनी दी हुई हमारे पास मनफिया वाई वन की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी दी है मनफी आठ और यहाँ पर भी मनफी है तो मनफी मनफी यहाँ मिला जमा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे हम आठ और यहाँ दूसरी दिया हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरी इस तरह से अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मनफी सात मनफी पांच याद है कि मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है यानी मनफी सात और मनफी पाँच सात में आप पाँच मिला दीजिए तो कितना हो जाता है आठ नौ दस ग्यारह बारह कितना हो जाएगा बारह यानी हमारे पास क्या लिखेंगे हम मनफी बारह ब्रैकेट क्लोज रखेंगे यहाँ पर क्या है दूसरी तो हम यहाँ लिख देंगे दूसरी जमा का जमा फिर हमारे पास मनफी तीन जमा आठ मतलब आठ में से तीन गए तो कितने बचते हैं हमारे पास तो पाँच तो हम यहाँ लिखेंगे पाँच यहाँ ब्रैकेट की दूसरी है तो यहाँ हम लिख देंगे दूसरी आठ बड़ा था और उसकी जमा की अलामत थी इसलिए कितने आगे जमा के पाँच आगे अब हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे अब इसका हम क्या करेंगे मुरबे लिखेंगे तो देखिए मनफी बारह की दूसरी दिए भाई मनफी मनफी बड़े तो जमा होता है बारह की दूसरी यानी बारह का मुरबा कितना होता है एक सौ चवालीस होता है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एक सौ चवालीस जमा और यहाँ पर पाँच की दूसरी पाँच की दूसरी मतलब कितना हो जाता है पच्चीस यानी पाँच का मुरबा कितना है पच्चीस है तो इस तरह से लिखेंगे अब आप क्या कीजिए एक सौ चवालीस में पच्चीस मिलाई मिलाई तो कितना हो जाएगा एक सौ सत्तर हो जाएंगे एक सौ उनसत्तर हो जाएंगे यानी चार और पांच कितना हो जाता है नौ चार और दो कितना हो जाता है छः और एक का एक यानी एक सौ चौबीस एक सौ चौवालीस में एक सौ पच्चीस मिला बारह का मुरबा कितना है एक सौ का मुरबा है पच्चीस एक सौ चौवालीस में पच्चीस मिला दिए तो कितना आ गया एक सौ उनसत्तर आ गया एक सौ उनसत्तर किसका मुरबा है तेरह का मुरबा एक सौ उनसत्तर किसका मुरबा है तेरह का है याद रखिए तेरह जरब तेरह हो जाता है क्या होता है तेरह सरअ तेरह कितना होता है एक सौ उनसतर हो जाता है एन जजर के बाहर कितना आ जाएगा तेरह यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि ल, एम है तेरा एल एम एन कितना आ गया हमारे पास तेरह आ गया अब हम लास्ट में लिखेंगे नुकता एल और एम का दरमियानी फासला तेरा है चलिए लिखते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर जॉब में लिखेंगे कि नुकता एल और एम का दरमियानी फासला कितना है तेरह है तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या करें मोहदीदीन को एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू फर्स्ट करे फिर वैल्यू में लिख दिए फिर वैल्यू लिखने के बाद हमने जाब्ता लिख दिए दिएबते में क्या करें करेमते रखने के बाद हमें क्या मिल गया एक सौ उनसत्तर मिल गया तो तेरह 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 को तेरह से मल्टीप्लाई कर रहे तो थे कितना था है एक सौ उनसत्तर तेरह तेरह दो नंबर एक साथ आ गए जजर में जॉब में क्या आ जाएगा एलिमेंट मसावी तेरह याद रखिए जब भी जजर में दो नंबर एक जैसे आ जाएंगे और साथ में उनके क्या रहेंगे दोनों के बीच में जरब रहा तो हम क्या लिख सकते हैं तेरह लिख एक नंबर लिख सकती है दो बार आ गया तो तेरा या फिर आप याद रख लीजिए कि स... तेरह की दूसरी कितना होता है एक सौ उनसर होता है तो इस तरह से हम जवाब में लिखेंगे एल और एम का दरमियान फासला तेरह है उम्मीद है आज का ये साल सवाल नंबर एक का तीसरा और चौथा आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में टाइप करके डाल सकते हैं या पेज नंबर भी आप बता सकते हैं इंशाल्लाह हम आपके सारे डॉट जो भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो आपके हम क्लियर कराएंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दुआओं में हमें याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज